Alright, so hello and good morning and welcome to the new video of this channel. आज के दिन में तुम्हारा स्वागत है. मंडे का दिन है. आज मेरी क्लासेस है 11 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे तक. तो इसलिए फटाफट से मैं उपमा खा रहा हूँ, साथ में कॉफी पी रहा ताकि मैं दिन के लिए तैयार हो जाऊँ और पूरा जग जाऊँ, क्योंकि मैं सोया तो बहुत कम ही हूँ. पर क्या कर सकते, ऐसे चल रहा है भाई. बारिश आ रही है, बारिश में भीगते हुए जाना पड़ रहा है बस स्टॉप तक. पर ऐसे ही है, क्या कर सकते हैं. मेरे पास अम्ब्रेला वगैरह नहीं है, मुझे ना पसंद नहीं है अम्ब्रेला लेके ऐसे पोपट की तरह चलना. पता नहीं पोपट की बात है कि नहीं है, मुझे पसंद नहीं है बेसिकली ऐसे अम्ब्रेला लेके चलना. मैं ऐसे अपने साथ में लाइबिलिटी लेके जा रही है कि इसको भी उठा के चलना है, तो इसलिए भीगते हुए ही जाना पड़ रहा है मुझे आज. Why are you not going? You're just gonna lag behind. You have to win in life. Guys, देखो मैं पोपट की तरह छाता लेके खड़ा हो गया. इससे बंद नहीं होता, मैं बंद कर देता हूँ छाता. ऐसी है अम्ब्रेला का भी ना, सोचा था अम्ब्रेला नहीं लेके आऊंगा. आज देखो हाथ में अम्ब्रेला है. जिंदगी का ना पता नहीं होता, तुम्हें लगता होगा कि हम ये चीज नहीं करेंगे या ये चीज करेंगे, पर कुछ पता नहीं होता. देखो दिस इज गॉड्स प्लान. हाल खराब हुआ है मेरे तो टोपी पहन के. Hi Maddie. Hey, shit. I forgot. Are you okay? Yeah, and I was like, and then she started laughing, so yeah. I started laughing. Oh. So I always uncomfortably laugh. Anyway, that's me. उदासी है, कोई कुछ है ही नहीं. You are not in this class, right? Yeah, this is my class, right? No. Yeah. Business modeling, right? Business modeling. Yeah, business modeling. Yeah, he's in our. Don't confuse me. पीछे बैठेंगे. Back bencher लोग ही दुनिया बदलते हैं, कंपनी अपनी खोलते हैं, आगे के लोग नौकरी करते हैं. पीछे बैठूंगा मैं. बीच में. ये ना नौकरी करेगा ना कंपनी खोलेगा, ये दोनों के बीच में पिस जाएगा. अबे पीछे बैठ के टॉप मारने का मजा ही कुछ और होता है. क्या कर रहा है किसी के खाने पे? अरे तो फोन ही तो लगाया खाने पे. आज गाइस मैं पढ़ाने वाला हूँ हमारी क्लास को. मैं दिखाऊंगा इन्हें कि कैसे क्या पढ़ाई होती है. सबसे पहला हमारी जो क्लास है वो है बिजनेस मॉडलिंग की. गाइस टेंशन वेदर टेंशन. टुडे वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट बिजनेस मॉडलिंग एंड डिजाइन इनोवेशन. सो यू हैव टू स्टार्ट विद क्ले, बिकॉज मॉडलिंग ऑलवेज स्टार्ट विद क्ले. I am not recording myself. I am addressing you guys. I don't care about camera. There is no camera. It's just the eyes of the people that I admire. The eyes, Chico, they never lie. Marker hi nahi hai class mein, kya class hai? So you all have this clay. What you can do with this clay is make anything out of it. Anything. That is business. अरे चलेगा, बच्चे जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ. That was it from my side, guys. दूसरी क्लास में भी बच्चे बैठे हैं, कुछ करते नहीं है बच्चे. हमारी पहली क्लास शुरू होने का वक्त आ चुका है. देखते हैं आज हम क्या पढ़ाई करेंगे. मैं तो इसी क्लास का असाइनमेंट इसी क्लास में बैठ कर दूंगा, क्योंकि अलग से टाइम क्यों वेस्ट करना है मैंने. अभी का जो टाइम वेस्ट हो रहा है उसी को ही यूटिलाइज कर लूंगा. हमारी अटेंडेंस होगी इस क्लास में, अटेंडेंस होती है हमारी. प्रेजेंट सर. मेरी तो दूसरी क्लास चल रही है, तो पूरा बोर हो चुका हूँ. साग सर ये देखो कितना खुश है, ये घूम गया है ना नीचे. चलो भाई क्लास खत्म हो गई, कुछ खाने चलते हैं. अरे यार जब खत्म हो गई है, चलो छोड़ो कोई नहीं, स्टारबक्स चलूंगा मैं तो. पास में वही है खाने के लिए, एक और दुकान है लेकिन वो बहुत भरे पूरे और ठंडे सैंडविच टाइप देते हैं. एक तो टाइम भी बहुत लगाते हैं. अगली क्लास 15 मिनट बाद है, स्टारबक्स से ही कुछ ले लेता हूँ. मैं हमेशा ये वाला लेता हूँ. आज मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला लेके देखता हूँ. मेरा रैप आ चुका है. ऐसा दिखता है रैप, ऐसा दिखता है रैप. 5:15 बज रहे हैं अब. मेरी 6 बजे से लेके 9:30 बजे तक की एक आखिरी क्लास है, जो कि मैं नहीं अटेंड करने वाला. उसमें गेस्ट आ रहा है, अभी फालतू में बड़ा बड़ा करेंगे. तो मैं बीच में ये जो 40 मिनट है और फिर 3:30 घंटे की क्लास है, सब टाइम बचा के घर ही जा रहा हूँ. वहां पे बैठ के टाइम वेस्ट करूंगा. इससे अच्छा ही घर जाता हूँ, खाना बना लूंगा, टाइम हुआ तो और चीजें कर लूंगा और बड़े सारे काम है. इसलिए मैंने तो फैसला कर लिया है कि घर ही निकलते हैं. बस के आने में तो अभी 10 मिनट है भाई. 10 मिनट तो बस के लिए वेट करना भी बड़ा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ठंड हो रही है यार. और मैं सोच रहा हूँ अभी घर नहीं जा रहा सीधा, मैं बीच में दुकान पर रुक के चाट कॉर्नर पनीर खरीद लूंगा. पनीर नहीं है ना मेरे पास, और पनीर क्या है बहुत सारी चीजों में काम आता है. पनीर तो होना ही चाहिए घर पे लगातार. उतर गया हूँ मैं बस से, अब चाट कॉर्नर की तरफ जा रहा हूँ पनीर लेने के लिए. लेकिन यार अब फिर से आऊंगा ना, फिर से ये बस यहीं से पकड़नी पड़ेगी और फिर से रुकना पड़ेगा जितनी भी देर बाद आएगी, 15-20 मिनट बाद. मैंने 4 पीस समोसे भी ले लिए, तो अभी जाके समोसे खा लूंगा 4. थोड़ा सा पेट भर जाएगा, फिर रात को देखता हूँ कुछ बना लूंगा.
6 बज चुके हैं शाम के, कुछ भी करने से पहले समोसे खाए जाएंगे, छोटे छोटे से, ज्यादा बड़े समोसे नहीं है, ये साइज है समोसे का, सही है मतलब 4 से पेट तो भर ही जाएगा अभी के लिए। खाना बना लेता हूँ फिर ही कोई और काम करूंगा, बड़े दिनों से खाना नहीं बनाया जिसकी वजह से मैंने बड़े दिनों से अपना बनाया वो खाना खाया नहीं है, सिर्फ रेडी टू ईट खाए चले जा रहा हूँ मैं। तो सबसे पहली प्रायोरिटी है कि अभी मैं बना लेता हूँ। एक तो इस चॉपर के चक्कर में ना हमारा अनियन टोमेटो का जो ये जो भी है जो भी बनता है ये अच्छे से नहीं बन पाता, अब चॉपर की जगह ब्लेंडर ऑर्डर कर लीजिए क्योंकि चॉपर है ये, ब्लेंडर है ये। फिलहाल खाना बन रहा है, मसाला भून रहा है जिसे कहते हैं, तब तक के लिए मैं एडिट कर रहा हूँ, बीच बीच में जाता रहूंगा उसको बनाता रहूंगा और साथ साथ में एडिट भी करता रहूंगा, फिर उसको बनाने के लिए रख दूंगा और तब तक भी मैं एडिट करता रहूंगा। 7:46 हो रहे हैं फिलहाल, अभी एडिट करना है उसके बाद एक और काम करना है उसके बाद असाइनमेंट का थोड़ा सा देखना है, लेकिन सही आज खाना बना लिया। लेकिन ब्लेंडर ऑर्डर करना पड़ेगा क्योंकि देखो मामला वही है कि वो जो चॉपर है ना उसके अंदर ना EMI में बार बार अनियन टोमेटो ऐसे करते रहो और वो आंखों में जाता रहता है, वो अच्छे से ब्लेंड भी नहीं होता, वो जो चीज चाहिए एक्चुअली में वो भी नहीं बनती है और परेशानी और होती है और टाइम भी बहुत लगता है, कोई फायदा नहीं है, ब्लेंडर ऑर्डर करेंगे। व्लॉग यहाँ पे रेंडर हो रहा है और खाना भी ऑलमोस्ट बनने ही वाला है, तो इसको अपलोड करता हूँ फिर आराम से खाना खाऊंगा।